कुछ स्टेट्स में बिना आरटीओ जाए घर से ही लर्नर लाइसेंस बनवाने की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे ये सभी स्टेट्स में शुरू हो जाएगी। इसमें आपको पहले ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और इसके बाद आपको टेस्ट भी ऑनलाइन ही देना होता है। लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लर्नर लाइसेंस का टेस्ट ऑनलाइन देने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको parivahan.gov.in पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना स्टेट चूज करेंगे, पॉपअप को आप स्किप करेंगे। ऊपर आपको एक मेन्यू मिल जाएगा। इसमें लर्नर लाइसेंस मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन LL टेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपको SMS कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो रिसेंट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड दोबारा से मंगा सकते हैं। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जो आप यहां पर रीड करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। किस लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है वो आप यहां पर चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इनमें से सही आंसर चूज करना होगा। जैसे कि यहां पर एक साइन दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस चीज का साइन है, तो आप सही आंसर चूज करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आपको आंसर चूज करके कंफर्म कर देना है। इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे और यहाँ पर आप उनका राइट आंसर चूज करके कंफर्म करते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिखा सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है। सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने हैंड टू हैंड रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका काम खत्म हुआ। आपका लर्निंग लाइसेंस बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक बार भी RTO नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेंट को जानबूझकर फेल किया है आपको आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए, तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर से इस टेस्ट को दे सकते हैं। नीचे आप डेट देख सकते हैं कि किस डेट को आप दोबारा से ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन दोबारा से टेस्ट देने के लिए आपको रिटेस्ट फीस पे करनी होगी। रिटेस्ट फीस पे करने के लिए आपको होम पेज पर आना होगा। इसमें आपको फी पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऊपर ई पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप चूज करेंगे रिटेस्ट फीस। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद कैलकुलेट फीस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल फीस आ जाएगी जो आपको पे करनी होगी। दोबारा टेस्ट देने के लिए आपको 81.86 रुपीज पे करना होगा, तो इसमें आप चूज कर लेंगे पेमेंट गेटवे, ये कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहां से आपको ये पेमेंट करना होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से पे कर सकते हैं, जैसे कि मैं UPI से पे कर देता हूं। इसके लिए UPI पर क्लिक करेंगे, यहां अपना UPI ID डालकर पे पर क्लिक करेंगे। आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी आपके UPI ऐप में। आप पे पर क्लिक करके अपना UPI पिन डालकर पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल। यहां से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं जो आपने पे किया है। आप चूज करेंगे कौन सी रिसिप्ट आपको प्रिंट करनी है, क्योंकि हमने पहले भी पे किया था और क्योंकि टेस्ट फेल हो गया है तो हमने दोबारा से पे किया है, तो दोनों रिसिप्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। आप कैप्चा फिल करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। इसको आप रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से टेस्ट देने के लिए आप फिर से होम पेज पर आएंगे और इसमें आप ऑनलाइन LL टेस्ट चूज कर लेंगे। आपके सामने फिर से वही प्रोसेस आ जाएगा। इसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद पासवर्ड डालेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप रिसेंट पर क्लिक करेंगे, दोबारा से पासवर्ड आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। आपके सामने डेट आ जाएगी कि आप टेस्ट किस डेट को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 3 अक्टूबर को हम ये टेस्ट दोबारा से दे सकते हैं। सो इस तरह से आप ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से टेस्ट फीस पे करके दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेस्ट देने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लर्नर लाइसेंस में एक ऑप्शन मिल जाएगा मॉक टेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना नेम
डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, किस लैंग्वेज में आप ये टेस्ट देना चाहते हैं, अपना स्टेट चूज करेंगे, इसके बाद साइन इन, आपके सामने टेस्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सही आंसर चूज करना है, इसके बाद कंफर्म करेंगे, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार भी RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी ये फैसिलिटी कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है, धीरे धीरे ये सभी स्टेट्स में आ जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।